So students, now we are going to read chapter number 6, that is weather and climate, as you can see on the screen. So isme first of all, how can we define weather? Hum weather ko kaise define kar sakte hain? Weather is defined as a condition of air temperature, wind, air pressure, rainfall and humidity in the atmosphere at a given place and time. So weather kya hai? किसी भी एक प्लेस पे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कैसा है, कंडीशन ऑफ एयर कैसा है, एयर प्रेशर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब कैसे हैं, दैट डिफाइंस द टेम्परेचर. सो आई टोल्ड यू वेदर कीप चेंजिंग. वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. एज आई टोल्ड यू कि वेदर जो है चेंज होता रहता है. अ सनी डे मे सडनली बिकम क्लाउडी एंड विंडी. सनी डे है वो सडनली विंडी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है. वेदर अफेक्ट्स आवर डेली एक्टिविटीज. वेदर जो है हमारी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है. कैसे वेदर हमारी डेली एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करता है? स्टूडेंट्स, जैसे कि एकदम से मौसम अगर ठंडा है, अगर गर्मी हो जाती है तो वी वुड लाइक टू हैव आइसक्रीम और कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है. So this is how weather affects our daily activities. We choose our clothes and our food according to the weather. हम अपने जो clothes है, अपना जो food है, वो सब हमने weather के according जो choose करते हैं. We can't wear warm clothes in summer. So हमारी जो food habits हैं, हमारी जो कपड़े पहनने की habits हैं, that keep changing according to the condition of the weather. सो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस चैप्टर. वी आर जस्ट नाउ रीडिंग इट. हम इसको रीड कर रहे हैं जस्ट टू क्लियर ऑल द टर्म्स प्रॉपरली अगेन. सो वन रीड टू नो इज देयर. एज यू कैन सी, साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर आर कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट. जो साइंटिस्ट जो वेदर की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट. सो दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, मीटियोरोलॉजिस्ट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द एटमोसफेयर कंडीशन एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड. गिवन टाइम और प्लेस पे एटमोसफेयरिक कंडीशन क्या होती है? वेदर. सो दिस इज वन मैप गिवन टू यू, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड. कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है आपको दिया हुआ है, कहाँ पे वेरी हॉट, कहाँ पे वेरी कोल्ड. सो दिस इज गिवन टू यू. नाउ weather conditions that prevail over a vast area for a long period of time called climate. So weather condition जो एक बहुत बड़े area में बहुत लंबे time तक जो continue रहती है उसको क्या बोलते हैं? Climate. Places are said to have dry, hot, wet or cold climate if they have same weather condition for a very long period of time. मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेस पे जब भी एक वेदर कंडीशन जो है एक लंबे समय तक चलता है तो वो वहाँ का क्लाइमेट होता है. क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट आर वे ऑफ लाइफ. क्लाइमेट से भी हमारा वे ऑफ लाइफ जो है वो डिपेंड करता है. हमारा कपड़े पहनने, आर क्लोदिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड दैट वी ईट आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन. जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो फूड है, वहाँ का जो रहने का तरीका है, वहाँ की जो क्लोदिंग है, जैसे कि वी आर इफ वी सी अबाउट कि ठंडे एरिया में जो हाउस होते हैं तो वो हाउसेस कैसे होते हैं, वो अंदर ही अंदर कवर्ड होते हैं सो दैट कोजीनेस रहता है उसमें. एंड डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. कंट्रीज लाइक कैनेडा, नॉर्वे, स्वीडन एंड रशिया आर वेरी कोल्ड, वाइल सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ पार्ट इंडिया के और उसके बाद म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया आर हॉट एंड ह्यूमिड. ये क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड कंट्रीज हैं. द रीजन विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन हैव सिमिलर वे ऑफ लाइफ टू. सो उसके बाद हमने ये पढ़ा था, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड. जो क्लाइमेट है प्लेस का वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है? लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इसमें डायग्राम में इट इज वेरी क्लियर. 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर है. डायरेक्ट जो है सन की रेज इक्वेटर पे आ रही हैं, तो क्या हो रहा है? इक्वेटर के पास का जो एरिया है वो ज्यादा गर्म है और क्योंकि स्लांटिंग होकर रेज पहुंच रही है तो इट टेक टाइम
तो क्या होता है, जब तक जब इट टेक टाइम व्हेन ट्रेवल फॉर सन रेज टू रीच द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, सो तो सन की रेज जो है देर से ट्रेवल करती है वहां तक, तो क्या होता है वहां पे सन की हीट भी कम पड़ती है. सो द अर्थ सर्फेस इज हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन. प्लेसेस लोकेटेड ऑन और नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, वाइल प्लेसेस नियर द टू पोल्स रिसीव द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन. पोल्स की तरफ जो है स्लांटिंग रेज जाती है सन की. स्लांटिंग रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड हेंस लूज सम ऑफ देयर हीट एज कम्पेयर टू डायरेक्ट रेज दैट ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस. क्योंकि डायरेक्ट इक्वेटर पे जा रही है तो इट हैज टू ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस, एंड ऑन पोल्स इट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस. सो एज कम्पेयर डायरेक्ट रेज दैट ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस एंड हैंस रिटेन मोस्ट ऑफ देयर हीट. सो द क्लोजर अ प्लेस इज टू द इक्वेटर द हॉटर इट इज इट्स क्लाइमेट इज. द क्लोजर अ प्लेस इज टू द पोल्स द कोल्डर इज इट्स क्लाइमेट. नेक्स्ट पॉइंट इज एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल. मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या है मौसम ठंडा होता जाता है. सो द रेज ऑफ द सन हीट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अभी अभी आपने पढ़ा कि वो सन की जो रेज होती है वो अर्थ सर्फेस को हीट करती है. दिस हीटेड सर्फेस एंड हीट्स द एटमोस्फियर. प्लेसेज एट हायर एल्टीट्यूड रिसीव लेसर हीट देन अदर प्लेसेज देन दैट आर एट द लोअर एल्टीट्यूड. मतलब जो लोअर हाइट पे होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं इंस्टेड ऑफ हम जैसे जैसे हाइट पे जाते जाते हैं. हेंस द टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड और लोअर देन इन द प्लेन्स. द टेम्परेचर डिक्रीज एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीजेज. दिस इज द रीजन वाई हिल स्टेशन आर कूलर देन द प्लेन्स इवन इन समर. मोस्ट पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो इवन ड्यूरिंग समर एज वेल. इफ यू हैव बीन ऑन अ हॉलीडे इन द हिल्स यू वुड हैव नोटिस दैट इट गेट कूलर एज यू गो अप. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इट गेट कूलर. फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग एट अ हाइट ऑफ 6982 feet अबव सी लेवल इज कूलर देन डेली विच इज एट द सी लेवल. डेली जो कि सी लेवल पे है अर्थ सर्फेस पे है सो दैट इज हॉटर. एंड दार्जिलिंग दैट इज एट द हाइट ऑफ 6982 feet की हाइट पे है. सो जैसे जैसे हाइट पे गए वैसे वैसे क्या हुआ जो है जो उसकी सन की रेज है वो वहां पे कम पड़ती है और वैसे वैसे क्या है टेम्परेचर जो है ऊपर उठ जाते हैं हम हाइट पे कम होता जाता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेज नियर द सी फॉर एग्जाम्पल मुंबई एंड कोलकाता नाइदर वेरी हॉट नोर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. जो प्लेसेस जो सी लेवल के सी के पास होते हैं डिस्टेंस जिनका सी से कम होता है उनका क्लाइमेट क्या है एक जैसा रहता है. दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट वेयर एज दोज फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. They are very hot in summer and very cold in winter. In summer, the land get heated faster and warms above air. This warm air rises, making way for the cooler air from the sea to blow in. This cool breeze coming from the sea cools the land near the coast. So, क्या होता है? जो सी एरिया के पास वाला जो लैंड होता है दैट इज मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर. ना वहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा वहाँ पे ठंड होती है. और जैसे जैसे हम सी लेवल से जो है दूर आते जाते हैं हमारा डिस्टेंस सी से बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम हो जाता है. एक्सट्रीम मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा. ह्यूमिडिटी. When air has a large content of moisture or water vapor in it, जब air के अंदर water vapor का content बढ़ जाता है it lead to humidity. उससे क्या बढ़ती है humidity बढ़ती है. Humid air also affect the climate of the place. Humid air क्या करती है climate भी जो उस place के climate को भी affect करती है and it leads to rainfall as well. This is one of the main reason of rainfall. The amount of rainfall and the season influence the climate of that place. Places with cold climate experience snowfall instead of rainfall. So this is humidity. Now we are going to directions of wind. So
सो नाउ डायरेक्शंस ऑफ विंड, मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ की हवा चलती है वैसा अब हमारा क्लाइमेट हो जाता है. विंड्स हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर द विंड ओरिजिनेट, डिपेंड करता है वो विंड कहाँ से आ रही है. दे मे बी कूल, हॉट, ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर. विंड ब्लोइंग फ्रॉम डेजर्ट एरिया आर हॉट एंड ड्राई, वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम द सी आर कूल एंड मॉइस्ट. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज हॉट इन समर. दिल्ली जो है समर में हॉट है ड्यू टू द ड्राई एंड हॉट विंड कमिंग फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से जब हवा चलती है दैट इज ड्राई दैट इज हॉट. सो क्या है, दिल्ली का क्लाइमेट इज हॉट. वाइल इन विंटर कोल्ड विंड फ्रॉम हिमालया कॉज अ कोल्ड वेव इन द नॉर्दर्न इंडिया. विंड प्लेज अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट कॉजेस रेन. विंड दैट ब्लो ओवर ओशियंस एंड सी कैरी मॉइस्चर. दीज मॉइस्ट विंड्स राइज अप एंड कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल डाउन एज रेन. जैसे जैसे जो है कंटेंट ऊपर जो है मॉइस्चर का हवा में बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आ. So when wind reach a mountain, they are forced to rise. As they rise, they cool and form water droplet that cause rain. Hence, it rain more in mountain area. Areas near the sea coast also get more rain. So water content in the air is known as water content. जो होता है air में उसको हम क्या कहते हैं, humidity, क्योंकि it leads to humidity. Now we are studying about climatic zones. मैंने आपको भी बताया climatic zones कौन कौन से होते हैं, the torrid zone, the temperate zone, the frigid zone. हमने इसको discuss भी किया था. Torrid zone को हम tropical zone भी बोलते हैं, temperate zone को हम temperate region भी बोलते हैं, frigid zone को हम polar region भी बोलते हैं. So the earth is divided into three climatic zones. आप यहाँ पे देख सकते हो ये हैं तीन क्लाइमेटिक जोन्स आपके. ये आपका इक्वेटर है जो सेंटर रेड लाइन एज यू कैन सी, उसके दोनों तरफ दिस इज योर टॉरिड जोन. और टॉरिड जोन के दोनों तरफ अगर हम चले जाएं तो टेम्परेट जोन, एंड इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ पोल्स, पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा फ्रीजिड जोन हो जाता है. सो बिकॉज क्योंकि अर्थ की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा एरिया होता है, सबसे ज्यादा हॉट होता है टॉरिड जोन. और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. और टुवर्ड्स अगर हम पोल चले जाते हैं तो क्या होता है, एरिया जो है इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर. सो ये हैं आपके तीन जोन फ्रॉम द इक्वेटर, एज यू कैन सी क्लियरली इन दिस डायग्राम. बहुत अच्छे से यहाँ से समझ में आ जाता है. So this division is based on the intensity of sunlight received by a particular place and also the rainfall. The shape of the earth is also important. Since it is curved, the rays of the sun has to travel a greater distance in slanting manner to reach the higher altitude. The three climatic or heat zone यहाँ पे दिए हुए हैं. And now we will study about these three zones. इन तीन zones के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है यहाँ पे हमारा टॉरिड जोन के बारे में. लोकेशन क्या है टॉरिड जोन की, सो इट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथ. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है. क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन दिस एरिया. The sun shines brightly and the temperature is very high all the year round. It rains very heavily every afternoon and the area is covered with thick and dense forest. These forests are known as rain forests. So, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत बहुत जो है हाई होता है. एंड थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई रहता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो है गर्मी रहती है. एंड रेन फॉरेस्ट यहाँ के जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं दे आर वेरी डेंस और थिक होते हैं बिकॉज बारिश होती है, तो बारिश होने की वजह से, और इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. एंड टेम्परेट जोन, दिस एरिया लाइज बिटवीन द टॉरिड एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ हेमिस्फीयर. दोनों तरफ जो है फ्रिजिड जोन और टॉरिड जोन के बीच का जो एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज द लोकेशन ऑफ द कि कहाँ पे है
after that climate. This area is neither very hot and very cold. This is because extremely cold weather. This is because the sun rays are slanting. Sun rays जो है slanting होती है यहाँ पे और heat जो है sun की देर से पहुंचती है. Summer are very hot and cold and winters are long and severe. Long and sphere. The seas and land in the Arctic and Antarctic circle are frozen throughout the year. यहाँ पे जो sea होता है पानी का area होता है that are frozen throughout the year क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है. This land is famous for its midnight sun. The sun does not set for days at a stretch for 6 months. For another 6 months the sun does not rise for days at a stretch. Very little vegetation is found here because क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और जो है वेजिटेशन को ग्रो यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एटमोसफेयर नहीं मिलता. सो दैट इज वाई बहुत कम यहाँ पे वेजिटेशन मिलती है. जो पानी का एरिया होता है दैट इज फ्रोजन ओवर देयर. बर्फ जमी हुई होती है. सो दिस इज रीडिंग पार्ट. सो स्टूडेंट्स वी हैव डन द रीडिंग पार्ट. जस्ट टू क्लियर ऑल द टर्म्स इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए सो दैट देर विल बी नो कन्फ्यूजन इन दैट. Now you can read the chapter carefully at home and question answers I will send you and after that we are going to start with chapter number 11 and now you can read the chapter again at home. If any problem, still any problem you find out, get, you can call me, you can ask me, I'll clear your problem. Bye students.